नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत और आज हम पहुंच चुके हैं लालपुर गांव में, जहां पर एक सांप देखा गया था। तो यहां पर जो लोग रहते हैं, घर वाले बहुत भयभीत थे, तो इन भैया ने मुझे फोन किया। क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव, तो आपको कैसे दिखा कि यहां पर कोई सांप है? देखो, अच्छा, बाहर से बाहर निकला हुआ था। बाहर तो अच्छा 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 दोस्तों, इनका कहना है कि ये बाहर थोड़ा निकला हुआ था, जैसे उधर से निगाह पड़ी ऐसे ही अंदर चला गया। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। थोड़े से दिखाने का प्रयास कीजिए। लाइट वाली है, लाइट हो रहा है। ये देखिए, कोई बंदे नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों हमें दिख चुका है, इधर से दिखाओ। जी जी बिल्कुल, ये इंस्पेक्टर कोबरा है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। क्योंकि दोस्तों खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, तो आपको जमाए रखिए। क्योंकि ये बहुत ही फुर्तीला सांप होता है, अभी तक हमें दिखा नहीं है। तो आपको और ये में कोई बात नहीं, जाएगा कहीं भी नहीं। और आप ताजी दिखाइए, ये भी दिखाइए और हम आपको दिखाते हैं। चलो हम नीचे इन्हें रख देते हैं, तब आसानी होगा। कोई बात नहीं, होगा तो इन्हीं में। सारी ईटें हटाने के बाद अभी दांत चुप गया है और निकलेगा अभी। तो दोस्तों मुझे दिख चुका है और कोबरा है। बस हटा लेंगे। भैया नांग है, बहुत तगड़ा सांप है। बहुत पुराना सांप है, देखिए लगभग 15 से 20 वर्ष पुराना सांप है। और मैं आपको दिखाते हैं। भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से और ये भागने की फिराक में अभी कोई चांस लेना नहीं चाहता। ये देखिए बहुत ही पुराना, बहुत ही खतरनाक। अभी ये भागने की फिराक में है। देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक, बस पकड़ रहे हैं। इसके बारे में आपको सारी जानकारी भी दे दें। और दोस्तों ये नांगिन ही है, नांगिन है ये। इसे इंग्लिश में इंस्पेक्टर कोबरा बोलते हैं, भैंसा डोंग कहा जाता है इसे। ये देखिए खुरा नांग बोलते हैं, फिटार बोलते हैं। अक्सर ये चूहों की तलाश में हमारे घरों में घुस जाते हैं। खुर बना है, बना है, फल फैलाएगा, सब दिखाएगा। बनो है।
ये देखिए ये फैला है, इसे अभी कोई खतरा नहीं लग रहा है। जब इसे खतरा लगता है तब ये फुसकार मारता है और अपना फन भी फैलाता है। और ये बहुत बड़ा है, लगभग इसकी उम्र जो है 15 से 20 वर्ष है। जब इन्हें अपने आप को खतरा लगता है तब ये फन फैलाते हैं और हमला करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, कोई और सांप होता वो रुकता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी सांप होते हैं, जिद्दी स्वभाव। तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। अपने भारत में 4-5 तरीका के नाग पाए जाते हैं। ये देखिए चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए बहुत पुराना ठीक है, उसको पैक करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे, ये एक बार में 10 से लेकर 15 अंडे देता है। और जो अंडे से बच्चे निकलते हैं वो जन्म से ही जहरीले होते हैं। इन्हें पद्मनांग बोला जाता है, वो इन्हीं के बच्चे होते हैं। अगर कोई सांप काट ले तो बहुत तेज नहीं बांधना है। अपने यहाँ क्या लोग करते हैं, बहुत तेजी से उसे बांध देते हैं। बहुत तेजी के बांधने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और जहाँ पर काटा है वो अंग आपका बेकार हो जाता है। तो बहुत तेजी से ना बांधे, खून का दौरान थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर खून का दौरान नहीं होगा तो वो आपका अंग बेकार हो जाएगा। अपने यहाँ पर 4 से 5 तरीके के नांग पाए जाते हैं। एक जो खुरा नांग हो गया, एक चंद्र नांग होता है, चंद्र नांग जहर को थूकता है, और एक किंग कोबरा हो गया। ये स्पेक्टर कोबरा है, इसे भारतीय नांग कहा जाता है। नहीं सर, उसे कुछ करना नहीं। और एक होता है कुलियागड़ा सांप। अपने यहाँ पर केवल 3 सांप जहरीले पाए जाते हैं। तीनों सांपों से बच के रहिए। कुलियागड़ा जो होती है थोड़ा सुन लीजिए, बहुत जानकारी दे रहे हैं, काम की आपकी चीजें। कुलियागड़ा जो होती है वो हमेशा निशाचर सांप होता है, रात में निकलता है और सिर्फ दीवारों पर ही रहना पसंद करता है। अभी ये सुरक्षित हाथों में है, अपने आप को खतरा महसूस नहीं कर रहा है। जब ऐसा लगेगा कि खतरा है, जब इसे खतरा लगेगा तो फन फैलाएगा और काटने का प्रयास करेगा। तो रात में कभी लेटे तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरदानी के नीचे लेटे। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम पैक करते हैं। डिब्बे को लाइए। अगर आपको कभी चिट्ठी सांप काट ले, जैसे रसल भाई पर बोलते हैं, तो उसे कभी उसके काटने के बाद कभी बांधना मत। चिट्ठी सांप जो होता है रसल भाई पर, जैसे अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, चिट्ठी सांप कहते हैं, मटिया सांप कहते हैं, जो बहुत तेज मतलब फुसकार मारता है, बहुत मोटा होता है जो। और एक वो दो मुंह वाला होता है, दो मुंह सामने कुछ नहीं होता है, वो बिना जहर का होता है। तो उसके काटने के बाद कभी बांधना मत, वरना आपका पैर है जो फट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम पैक करते हैं और ये जाना नहीं चाह रहा है। छोटी वाले स्टील कोई बात नहीं, पैक कर लेंगे हम। वीडियो देखिए, जंगल में रिलीज करते हैं, आपको देखने को मिलेगा सारे वीडियो। ये सुबह रिलीज होगा, इस समय थोड़ा लेट हो गया है, समय है जब वीडियो परसों आएगा। हाँ नहीं,
थोड़ा कॉपी कैसे कॉपी ले आओ कॉपी ठीक है दोस्तों सुरक्षित से पैक कर लिया है और नीचे 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 अरे सीधा सीधा तो कोई सांप नहीं जाएगा हमें कॉपी दे दीजिए ये अभी खिदियाना नहीं है जब खिदी आएगा तो बहुत तेज फन फैलाएगा और फन मारने की कोशिश करेगा काटने के ठीक है दोस्तों सब बंद करते हैं और कोई बात नहीं कहीं भी पहुंचा ठीक है दोस्तों मैं सुरक्षित पैक कर लिया है कल सुबह से सुरक्षित वातावरण में पुनर्वास के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनका भी हमारे पर्यावरण में होना बहुत जरूरी है क्योंकि सांप खत्म हो जाएंगे तो आप खेती नहीं कर पाएंगे और जितनी भी फसल है आपकी चूहे सब खा जाएंगे इनका काम है चूहों को खाना तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जगह के साथ तब तक के लिए जय हिंद।